बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने एनटीपीसी परीक्षा को लेकर क्या जानकारी दी है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो पाएगा। तो पूरा ऑफिशियल न्यूज़ है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये दोस्तों आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया की ओर से पूरी अपडेट आई हुई है, तो आपको पूरी अपडेट से अवगत करवाएंगे हम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कहेंगे कि आप लोगों को अगर रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जानना है तो आप हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में अभी समय है। जी हां दोस्तों अभी भी समय है और रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है और बोर्ड अन्य भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने का काम कर रहा है। ऐसे में एनटीपीसी परीक्षा में अभी समय है और रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा और भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जो है वो आरआरबी की सभी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा और दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन करना होगा। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी के तहत जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइपिस्ट कीपर और ट्रेनिंग क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर भर्ती करेगा और भर्ती कुल 35,277 पदों की कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही थी जानकारी जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का अभी जो है एग्ज़ाम में टाइम लगेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम अभी लेट से होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।